नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। किडनी में स्टोन की समस्या से कई लोग परेशान होते हैं। पथरी होने पर असहनीय दर्द और परेशानी मरीज को उठानी पड़ती है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमें किडनी स्टोन की समस्या में आलू खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि आलू में सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे किडनी स्टोन की समस्या में नुकसान होने की संभावना रहती है। दरअसल किडनी स्टोन की समस्या में आप बिना किसी चिंता के आलू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर यह आपके पेनक्रियास को प्रभावित ना करे। जब स्टोन की वजह से पेनक्रियास प्रभावित होता है तो शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होने लगता है। ऐसे में ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आपको आलू का सेवन कम करना चाहिए। अगर आपको ये समस्या नहीं है तो आप संतुलित मात्रा में आलू का सेवन कर सकते हैं। क्या पथरी में आलू खाना चाहिए? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आप पथरी की समस्या में आलू का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, बस आपको अपने शुगर लेवल का ध्यान रखना की जरूरत है ताकि ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें। साथ ही आपको पोटेशियम की भी संतुलित मात्रा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके लिए आप पोटेशियम वाली चीजें खा सकते हैं। आलू को काटकर उबालने में इसमें मौजूद पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा आपको आलू को अच्छे से पकाकर खाने की कोशिश करनी चाहिए। किडनी स्टोन की समस्या में आपको बीज वाली सब्जियां जैसे टमाटर, पालक, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भरपूर मात्रा में पानी पिएं ताकि स्टोन गॉल ब्लैडर में तैरते रहें, क्योंकि जब ये किडनी में स्पर्श करता है तभी आपको दर्द का अनुभव होता है। आलू खाने के फायदे कार्ब से भरपूर होते हैं। हृदय समस्याओं में काफी फायदेमंद करते हैं आलू। आलू में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम पाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।